हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले तो क्या है, सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। तो क्या होता है ये फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था अपन ने, एक तो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और सिज़ोफ्रेनिया जो वर्ड था वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, जैसा सिज़ो मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन होता है माइंड। मतलब सिज़ो मीन्स क्या होता है, स्प्लिट मीन्स दरार पार्ट, ठीक है, और फ्रेन मीन्स माइंड। तो क्या होता है कि जो माइंड में जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, इमोशनल थिंकिंग, और जो ये इनमें क्या होता है, इनमें क्या होने लग जाता है, थोड़ा दरार पड़ने लग जाती है। जैसे दरार का मीन्स ऐसे समझ सकते हैं अपन की कोई भी जो अपनी सोचने समझने की, जैसे अबनॉर्मल थिंकिंग हो, जैसे डेलिजिनेशन हेलुजिनेशन होने लग जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है उस पेशेंट में, तो वो क्या करने लग जाता है, इमोशनल जैसे कि अपन मान सकते हैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाएगा पेशेंट, ठीक है, तो ऐसे होगा। तो उसमें क्या होगा, द वर्ड्स और आज समझो क्या है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, और स्प्लिट मीन्स होता है दरार या फिर, और फ्रेन मीन्स होता है माइंड, ठीक है। तो द वर्ड सिज़ोफ्रेनिया इज कॉइन्ड बाय द स्विस साइकेट्रिस्ट इगुन ब्लॉवर 1908। मतलब क्या होता है, 1908 में जो स्विस साइकेट्रिक थे इगुन ब्लॉवर ने, उन्होंने ये क्या वर्ड को सिज़ोफ्रेनिया टर्म दी, ठीक है, इस वर्ड को दिया, ठीक है। और अर्लियर इज ऑल्सो नोन एज डेमनेंशिया प्रेकोक्स, मतलब पहले जब सिज़ोफ्रेनिया जब नाम नहीं दिया गया था इगुन ब्लॉवर ने, तब इसको क्या बोलते थे, अर्लियर टाइम पे इसको डेमनेंशिया प्रेकोक्स बोला जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ। तो सबसे पहले होता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेटिक एसोसिएशन, जो एक संस्था है, उसने ये डेफिनेशन दी थी, सिज़ोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड बाय द करेक्टरिस्टिक डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग मूड एंड बिहेवियर। मतलब क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारे सिम्टम से मिलकर बना होता है, क्योंकि ना इसमें ना अपन कह नहीं सकते कि सिज़ोफ्रेनिया में कोई एक टाइप का सिम्टम ही हमें देखने को मिला, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे सिम्टम, जैसे थिंकिंग डिसऑर्डर के सिम्टम भी आते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर के सिम्टम भी आते हैं, और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम भी आते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, और इससे क्या होता है, करेक्टराइज बाय द डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग मूड एंड बिहेवियर। जैसे थिंकिंग में कैसे डिस्टर्बेंस होगा, क्या तो इकोलेलिया हो जाएगा, ठीक है, एक पर्सन किसी चीज़ को बोले जाएगा, ठीक, या फिर हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, डिल्यूजन होने लग जाएगा। मूड में क्या होगा, जैसे मूड से अपन मूड और बिहेवियर बहुत अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, और इसका, ठीक है। तो ये होता है कि इन तीनों में अगर, जैसे अपन इसको टिक के तौर पे याद सकते हैं, बैट मतलब बिहेवियर, ए मतलब अफेक्ट मीन्स मूड होता है, और टी मतलब थिंकिंग। तो मतलब इनमें अगर बिहेवियर थिंकिंग और मूड इन तीनों में कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो उसे हम सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंसिडेंस है फिर एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में ये मोस्ट कॉमन साइकेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये सब मतलब सिज़ोफ्रेनिया क्या मोस्ट कॉमन है, ये ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है सभी साइकेटिक डिसऑर्डर में, और अबाउट द 15% ऑफ न्यू एडमिशन इन मेंटल हॉस्पिटल आर द सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। मतलब क्या है, वो पूरे हॉस्पिटल में 15 पेशेंट, अगर 100, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई 100 पेशेंट है किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, मेंटल इलनेस के, तो उनमें से जो 15% या 15 पेशेंट तो ऐसे होंगे जिन्हों सिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। और इसकी प्रिवेलेंस क्या है, बहुत मेन और वुमेन में इक्वली प्रिवेलेंस है, ये दोनों को अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि मेल को अफेक्ट करता है फीमेल को, ये दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। और इसका एज देखे तो अपन पीक एज ऑनसेट 15 to 25 ईयर फॉर मैन और 25 to 35, मतलब क्या 15 से 25 साल के जो मेन होते हैं उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, उस एज पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, और 25 से 35 साल की जो भी वुमन्स है उनमें भी ये बहुत पीक एज पे अफेक्ट करता है, और ये सबसे ज़्यादा लोअर सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या क्या आइडियोलॉजी है जिसे कोज होता है। फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में जब सबसे पहला आता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या हो सकता है, अगर किसी माता पिता को है तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं, ये अभी तक अपन ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड, तो थर्ड ईयर में ये मतलब कि यही है जेनेटिक में, कि अपने पेरेंट्स से जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपने
बच्चों में, उनमें से अगर जीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिजीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे और जैसे एक हो सकता है, अगर दोनों पेरेंट्स हो, अगर सिज़ोफ्रेनिया से पेशेंट से दोनों जो पेरेंट्स हैं वो सिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं, तो होने वाला बच्चा क्या होगा, वो मतलब उसमें 40% चांसेस हो जाएंगे कि वो सिज़ोफ्रेनिक हो, और अगर वन पेरेंट्स है तो उसमें 10% चांसेस होते हैं कि वो सिज़ोफ्रेनिया का सिक। फिर आता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड में, जो इसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल इनक्रीज होने लग जाता है, जो अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर उनमें क्या होने लग जाता है, अल्ट्रेशन आने लग जाता है। ठीक है, और मेनली इसमें जो डोपामाइन का लेवल होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, फिर आता है न्यूरो एनाटॉमी, और मेनली क्या होता है, जेनेटिक्स में ये देखा जाता है कि जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस में क्या होता है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है, 4 times हायर चांसेस होते हैं देन डाइजाइगोटिक के, सॉरी डाइजाइगोटिक ट्विंस को। ठीक है, फिर आता है न्यूरो ट्रांसमीटर में, समझ में आया, न्यूरो ट्रांसमीटर का जो डोपामाइन का लेवल होता है ब्रेन में, वो उसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिव या फिर ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर आता है न्यूरो एनाटॉमिक, न्यूरो एनाटॉमिक में क्या होता है कि जो मोनली जो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है उनमें MRI और CT स्कैन में ये देखने को मिला है कि जैसे 3rd और 4th वेंट्रिकल है उनका साइज़ क्या होता है, उनके इनलार्ज देखने को मिला, और जो सेरिब्रम फ्रंटल लोब है उसकी में एट्रोफी देखने को मिली है। ठीक है, फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में इम्पेयर्ड ईगो फंक्शनिंग, मतलब सबसे पहले क्या आता है, अगर ईगो इम्पेयर्ड हो जाए, जैसे अपन ने पढ़े थे ईड ईगो और सुपर ईगो, और ईगो में क्या होगा, उसके थिंकिंग प्रोसेस में अल्ट्रेशन आने लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसके ईगो फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होने लग जाए। फिर आता है मेटरनल और चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसमें मदर चाइल्ड रिलेशन में क्या होता है, पहले होता है कि जैसे कोई माँ अगर किसी बच्चे को अपने मदर ने टोक दिया, तो क्या होता है, ओनली उसका ईगो जो होता है वो इम्पेयर्ड होने के, इसलिए उसे ओवर प्रोटेक्टिव मदर भी नहीं होना चाहिए, ताकि उसका बाद में क्या हो सके, वो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो जाए। फिर लो इंटेलिजेंस पीपल, जो लो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन होते हैं ना, वो मेनली फॉलो नहीं कर पाते, उसमें थिंकिंग एबिलिटी इतनी डेवलप नहीं होती है, कि वो उसका इंटेलिजेंस ही इतनी नहीं होती वो, कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, फिर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो बिहेवियर प्रॉब्लम और जो मूड रिलेटेड प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। फिर आता है ओवर सेंसिटिव पीपल, अगर किसी को कुछ भी कह दिया तो उसको उसका ईगो जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो धीरे 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 डिप्रेशन में चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है थर्ड सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में क्या आता है, सोशल आइसोलेशन, जैसे कोई पेशेंट है वो अकेला है, ठीक है, आइसोलेट रहता है सोसाइटी से या इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या करता है, दूर रहता है, तो उसमें हो सकता है सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो। फिर आएगा डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज एक सिस्टमिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर हो सकता है कि किसी फैमिली वो दूर दूर रहती हो, आसपास नहीं रहती हो, ठीक है, या फिर ब्रोकन फैमिली, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो उस हो सकता है उस कंडीशन में भी सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर लो सोशो इकोनॉमिक जो ले, तो लो सोशो इकोनॉमिक जिसमें उनकी डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उसमें भी हो सकता है। फिर फीलिंग ऑफ होपलेस, अगर होपलेसनेस की फीलिंग है तो उसमें भी सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकता है, लाइफ स्ट्रेसफुल किसी के साथ में जो हो, किसी के माता पिता की घटना हुई हो तो वो हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ, या फिर किसी के साथ में जो हो सकता है वो जैसे मान सकते हैं अपन किसी को साथ में रेप वगैरह हुआ हो, तो वो एक स्ट्रेसफुल जो इवेंट है उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है सिज़ोफ्रेनिया कोज हो सकता है। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऐसे कौन कौन, मैटरनल इन्फ्लुएंजा, अगर क्या होता है मैटरनल इन्फ्लुएंजा है या फिर कोई मैटरनल वायरस की वजह से हो सकता है सिज़ोफ्रेनिया। माल न्यूट्रिशन बिफोर बर्थ, अगर जो है बर्थ से पहले अगर मम्मा जो मदर होती है वो अगर माल न्यूट्रिशन होती है उसका पेशेंट होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि अपना बेबी जो हो वो सिज़ोफ्रेनिक बेबी हो। फिर आएगा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सिज़ोफ्रेनिया कोज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, सॉरी ICD-10 के अकॉर्डिंग, हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे सिज़ोफ्रेनिक, तो सिज़ोफ्रेनिया को मेनली F20 से F29 की कैटेगरी में रखा गया, जिसमें सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोटाइपल एंड डेल्यूजन डिसऑर्डर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है F20 पर आता है सिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, और इसमें सिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स है। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो F20.0 पे आता है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, 20.01 पे आता है हेबोपैनिक सिज़ोफ्रेनिया, 20.02 पे आता है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, और 20.3 पे आता है अनडिफरेंशिएटेड, और 20.04 पे आता है पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, एंड 20.05 पे रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया।
एंड 20.6 पे आता है सिंपल सिज़ोफ्रेनिया। तो इससे हम एक ट्रिप के माध्यम से आ सकते हैं। तो जैसे PSC है UP में और हम रहने वाले कहाँ के, राजस्थान, को हम याद कर सकते हैं इसको कि PSC UP RS, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम एक एक करके पढ़ेंगे पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले तो पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया एट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साई सिज़ोफ्रेनिया में से सबसे ज़्यादा होने वाला जो भी सिज़ोफ्रेनिया का टाइप है वो है पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड में क्या होता है, शकी प्रवृत्ति का होता है। पैरानोइड मीन्स डेल्यूजन। क्या होता है डेल्यूजन, उसका भ्रम होता है। ठीक है, डेल्यूजन मतलब एक, और इसका ऑनसेट क्या होता है, ग्रेजुअली होता है, मतलब बढ़ता जाता है। और कॉमन एज, इसमें एज मोस्ट कॉमन एज होती है 15 से 25 ईयर के, जो एज के होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोग्नोसिस गुड होता है और इसे इसे हम ट्रीट कर सकते हैं अर्ली लेवल पे। ठीक है, और पर्सनालिटी डिटोरेशन मिनिमल होता है, मोस्ट ऑफ देयर पेशेंट आर प्रोडक्टिव कैन। मतलब क्या होता है, जैसे पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, सब में प्रेजेंट होता है, सभी में से मोस्ट कॉमन टाइप है सिज़ोफ्रेनिया का। और इसमें यह पैरानोइड का मेन तो डिल्यूजन मतलब भ्रम होता है, और उनसे ग्रेडली धीरे धीरे बढ़ता है, और इसका प्रोग्नोसिस गुड प्रोग्नोसिस हो जाता है, तो इसको अपन अर्ली लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन एज होती है 15 से 25 ईयर की, और पर्सनालिटी ड्यूरेशन मिनिमल होता है, क्योंकि ना जो पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया है ना, इसमें पेशेंट क्या कर सकता है, प्रोडक्टिव और नॉर्मल लाइफ एक तरह से जी सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिल्यूजन, और इसमें मोस्ट कॉमन 3 होता है जो सिम्टम होता है वो देखने को मिलते हैं, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। ठीक है, तो वन बाय इन्हें देखेंगे। डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन में तो क्या होता है कि उसे फाल्स बिलीफ हो जाता है कि कोई मेरे को माल ट्रीटमेंट, मेरे को बहुत मेरे साथ बहुत गंदा तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मेरे को लोग बहुत अजीब तरह से ट्रीट कर रहे हैं, या फिर कोई उसे फाल्स बिलीफ हो जाता है कि मेरे खाने में मेरे को कोई चीट कर रहा है, मेरी कोई गाड़ी चुरा लेगा, मेरे साथ कोई धोखा कर रहा है, या फिर कोई मेरे को खाने में जहर मिला के दे सकता है, या फिर उसका कोई भी हरासमेंट हो रहा है, हरासमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको कोई बांध के उसके जो कार्य में उसको बाधा दे रहे हैं, तो उसमें उसको डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। उसे फाल्स बिलीफ हो जाता है कि हो सकता है कोई साथ मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई साथ मेरे साथ हरास कर रहा है, कोई मेरे गोल्स को पूरा नहीं होने दे, उसे एक तरह से फाल्स बिलीफ होते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड, आता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी में क्या होता है कि वो अपने जो सेक्स जो अपना पार्टनर है वो उसके साथ अनफेयर, उसको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हस्बैंड को अगर, या हस्बैंड या वाइफ को हुआ, तो अगर वाइफ को होता है तो वो क्या करती है, वाइफ क्या करती है, उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा फाल्स बिलीफ होता है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ मतलब धोखा कर रहा है, ऐसा लगता है उसे। ठीक है, फिर आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। ग्रैंडिसिटी मतलब अपने आप को महान समझना। ठीक है, तो ये उसके माइंड में ऐसे इरेशनल आइडिया आते हैं, और उसका फाल्स फिक्स बिलीफ होता है, फाल्स फिक्स कि उसे हो सकता है कि मेरा बहुत मेरे गॉड के साथ में मेरा एक फेमस पर्सन या फिर कोई गॉड है तो उसके साथ में मेरा एक कनेक्शन है, और मैं एक स्पेशल पर्सन के साथ में एक अच्छी कनेक्शन है, और मेरे को खुद में एक बहुत ज़्यादा टैलेंट है अपने और नॉलेज है, और उसके पास पैसा है, जबकि ऐसा होता नहीं। उसे लगता है ओनली मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नॉलेज है, और मेरा भगवान से भी मतलब भगवान से बातें कर सकता हूँ मैं तो, और मेरा फेमस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, तो ऐसे ऐसे वो उसको हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, सॉरी। फिर आता है हेलुसिनेटरी वॉइस। हेलुसिनेटरी वॉइस में क्या आता है, ऑडिटरी वॉइस में सच ए थ्रेटनिंग वॉइस कमांड ऑन द पेशेंट विदाउट वर्बल एंड सच ए व्हिसलिंग एंड लाफिंग। उसको ऐसी वॉइस आती है, उसको हेलुसिनेशन होता है कि कहीं उसको ना आवाज़ें सुनाई दे रही है, सीटियों की आवाज़ें आ रही है, उसको ऐसे होता है। फिर आता है अदर फीचर में देखेंगे हम, डिस्टर्बेंस इन इमोशन थॉट स्पीच एंड मोटर बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो मेनली जो पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया उनमें देखने को मिलता है। फिर अब हम देखेंगे हाइपोफेनिक। हाइपोफेनिक का अदर नेम भी होता है डिसऑर्गेनाइज सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्सन मतलब पूरी तरह से सुपरफिशियली बता दी, इसमें क्या होता है, ये बहुत घातक होता है, क्रोनिक होता है, और इसमें क्या होता है मेनली 15 से 25 ईयर की एज में ये देखने को मिलता है, और इसमें सीवियरिटी पर्सनालिटी उसमें पैरानोइड में मिनिमल पर्सनालिटी डिटोरेशन होता था, इसमें सीवियर होता है, और इसमें क्या होता है एक्सट्रीम
इसमें सोशल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन डिल्यूसिनेशन चेंजेबल भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, वो सेंस मिरर के सामने देखे मुस्कुराएगा, सिली बिहेवियर। इसमें क्या होता है, अनऑर्गेन जैसे इसका नाम है डिसऑर्गेनाइज, वैसे ही क्या होता है, पर्सन बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज रहता है, प्रॉपर वे में कपड़े नहीं पहनता है वो, ठीक है। और वो क्या करता है, जैसे बटन लगाना तो उसको अपन बोलते हैं कि कपड़े पहनो, तो वो सीधे बटन भी नहीं लगाता, ऊपर नीचे बटन लगा देता बिल्कुल। और कहीं उसके बाल कहीं जा रहे होते हैं, उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो भी प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। और वो हर इन प्रॉपर प्लेस पे घूमता रहता है और चाइल्डिश बिहेवियर कर सकता है वो, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, तो इसमें हम रिकवरी इज नेवर पॉसिबल होती है, ठीक है। ये था, फिर इसमें थर्ड आता है केटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया में केटा और टोनिक, केटा का मींस होता है टोन, केटा का मींस होता है डिस्टर्ब और टोनिक का मींस होता है मसल टोन। तो इसमें क्या होता है, जो मसल स्टोन होता है उस पर तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें मार्क बाय डिस्टर्बेंस, ये मोटर और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलता है। एक्यूट और सडन भी हो सकता है, और ये 15 से 25 साल की एज में देखने को मिलती है। प्रोग्नोसिस गुड होती है तो रिकवरी पॉसिबल होती है। फिर इसमें केटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया टू टाइप का होता है, केटाटोनिक स्टूपर एंड केटाटोनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग अब हम देखेंगे केटाटोनिक स्टूपर। तो स्टूपर में तो क्या होता है, उसमें रिजिडिटी देखने को, रिजिडिटी मीन्स क्या होता है कि कोई पर्सन है एक पर्टिकुलर अवस्था में बैठा है तो वो लंबे टाइम तक उसी अवस्था में बैठा रहेगा। अगर उसे वो अगर हिलना भी चाहेगा फिर भी वो इसी अवस्था में बैठा रहेगा जैसे, ठीक है। और स्टूपर मींस क्या होता है कि वो उसको कोई मतलब नहीं उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो खुद अनअवेयर रहता है बिल्कुल भी, कि उसमें सराउंडिंग जो भी कुछ है वो बिल्कुल म्यूट सा रहता है, ठीक है। स्टूपर एक तरह से चुपचाप, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि अपने सराउंडिंग क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि वो क्या होता है, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी प्लेस इन अ पोजिशन दैट मेंटेन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन अनकर, मतलब इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है एक जगह बैठा है चाहे वो उस पोजिशन में अनकंफर्टेबल है फिर भी वो उसी पोजिशन में बैठा रहेगा, ठीक है। फिर आता है इम्यूटिज्म, मतलब वो किसी से बात नहीं करेगा, इनएबिलिटी टॉक। फिर सेकेंड देखा था क्लिनिकल एक्साइटमेंट। क्लिनिकल एक्साइटमेंट क्या होता है, जैसे केटाटोनिक एक्साइटमेंट, जैसे स्टूपर में तो वो बिल्कुल म्यूट था, किसी से बात नहीं कर रहा था, उसको साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, तो सेम उल्टा हो जाएगा इसका। केटाटोनिक एक्साइटमेंट क्या होगा, वो बहुत हाइपर एक्टिविटी करेगा, ठीक है, और उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगा, वोलेंट बिहेवियर हो जाएगा, और स्पीच प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा उसमें। और पेशेंट क्या करेगा, अपने आप को आसपास की चीज़ों को तोड़ने लग जाएगा, ठीक है, और जो भी खड़े हैं उसमें उस चीज़ों को आर्टिकल को फेंकने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा। कभी कभी तो क्या होता है वो न्यूड, मतलब कभी कभी क्या होता है वो बिल्कुल नंगा भी हो जाता है, अपने क्लॉथ फाड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये जो केटाटोनिक एक्साइटमेंट है ये इसके ये सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें कभी कभी पेशेंट इतना हाइपर एक्टिविट हो जाता है कि उसको डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, स्लीपनेस हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। और रेयर ओकेजन में पेशेंट में भी कोलैप्स ड्यू टू और कभी कभी पेशेंट में रेयर होता है कि वो एग्जॉशन की वजह से क्या उसका कोलैप्स होने लग जाता है, ठीक है। फिर आता है अनडिफ्रेंशिएट सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएट इज अ फॉर्म ऑफ सिज़ोफ्रेनिया दैट कैरेक्टराइज बाय द नंबर ऑफ सिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स सच एज डिल्यूजन डिसऑर्गेनाइज्ड केटाटोनिक। मैं सुपरफिशियली बता देते हूँ, इसमें क्या होता है कि जो अनडिफ्रेंशिएट, मतलब अपन डिफ्रेंशिएट नहीं करते क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम इसको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे पैरानोइड के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, हेवेफेनिक के सिम्टम भी, सिंपल सी और रेजिडुअल और जिसके सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिक्स टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट मूड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेसिव फीचर डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल एंड एक्टिव फीचर्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया एंड आर एसोसिएट विद द इनक्रीज द रिस्क ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। मतलब क्या होता है, पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन में ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको सिज़ोफ्रेनिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, पर क्या हो सकता है, कभी कभी वो सोशल रिकवरी कर लेता है, पर इसमें क्या होता है कि वो एक बार उसको अगर सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है तो उसकी वजह से वो क्या करता है, बार बार वो सोचता है मेरे को, अरे यार मेरे को क्या कौन सी डिजीज़ हो गई, ये लंबे टाइम तक ये ट्रीट क्यों नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो क्या हो सकता है मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, और इसमें अगर वो डिप्रेशन में जाता है तो उसमें सुसाइडल के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आता है रेजिडुअल सिज़ोफ्रेनिया। तो इट इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिज़ोफ्रेनिया इन विच द सिम्टम आर persistent after the acute phase, the patient can do the routine work as they attend a social recovery. मतलब क्या होता है, ये chronic form होती है schizophrenia, इसे residual, residual का means ही होता है कि बना रहता है, मतलब उसके symptom है वो तो रहेंगे
ठीक है, पर हो सकता है वो अपने डेली लाइफ के जो काम है वो कर सकता है, सोशल रिकवरी अटेंड कर सकता है वो किसी सोसाइटी में रह कर, ठीक है, और वो अपने डेली वर्क कर सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया इज इन द पास्ट बट विदाउट द प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट। क्या हो सकता है, पुराने टाइम पिछले जो टाइम था उसमें हो सकता है वो पहले जो तो पास्ट में उसको कोई वन एपिसोड आया हो सिजोफ्रेनिया का उस टाइम पे, और अभी कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम, इमोशनल ब्लंटिंग होती है, ठीक है, एकदम ब्लंट हो जाता है कभी कभी, और इसेंट्रिक बिहेवियर हो जाता है, इलॉजिकल थिंकिंग, बहुत इलॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, सोशल विड्रॉल, एक दूसरे से सोशली वो विड्रॉल अपने आप को एक अलग ही ले जाना है, क्योंकि वो सोसाइटी से दूर रहने लग जाएगा एकदम से, और लूजनिंग एसोसिएशन, उसको खुद को पता नहीं होता है वो किस बात का क्या मतलब निकाल रहा है, वो किस बात पर टॉपिक पे बोल रहा था और आता आता पता नहीं उसको खुद को पता नहीं कौन से बात पे लूज, उसका कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है एक दूसरे वर्ड्स के बीच में, ठीक है। फिर आता है लास्ट सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया ये क्या होता है, ये इंसिडियस होता है, घातक होता है, ठीक है, और इसको ऑनसेट अर्ली ऑनसेट होता है इसका, और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, तो इसे ट्रीट भी बहुत मतलब ट्रीट इजीली नहीं होता है, ठीक है। और सिंपल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, रेयरली हेलुसिनेशन और डिलीजन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, और इसमें नेगेटिव जो सिम्टम है सच है ओवुलेशन अपोथी अनहर्डिनिया ब्लंट और इमोशनल ब्लंटिंग लैक ऑफ इनिशिएटिव लैक ऑफ मोटिवेशन लो एक्टिविटी विद एब्सेंस ऑफ हेलुसिनेशन। एंड इसमें क्या होता है, जैसे ओवुलेशन अपैथी जैसे ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसका जो बाकी सिम्टम बच रहे हैं, ठीक है, और इसमें सिम्टम बच रहा है, मैनेजमेंट बच रहा है और नर्सिंग मैनेजमेंट बच रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।